वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। एंड आफ्टर सो लॉन्ग फाइनली मैं YouTube पर अब वापस आ चुकी हूँ। मेरा ख्याल है मुझे 2.5 महीने हो गए हुए थे कि मैंने मतलब ब्लॉगिंग को थोड़ा सा साइड पर किया हुआ था, बिल्कुल छोड़ नहीं दिया था या अपनी लाइफ से स्किप नहीं कर दिया था, बल्कि एक रीज़न थी जिसकी वजह से ब्लॉग्स नहीं बना सकी, थोड़ी सी सुस्ती भी थी। उसके अलावा अभी यूनिवर्सिटी के मिड्स ख़त्म हुए हैं, इतना स्ट्रेस था, लेकिन खैर अच्छे हो गए, जैसे भी हो गए, जान छुट्टी। अब हम दोबारा से व्लॉग्स बनाएंगे और इंशाल्लाह मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि हर हफ्ते में एक व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँ, इंशाल्लाह। अब कोशिश करूँगी, अब बाकी कोई पता नहीं। मोटिवेशन क्या थी व्लॉग्स बनाने की, अगेन वो ये थी कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, इस तरह बहुत से लोगों ने मम्मा से भी पूछा कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने कहा चल बेटा दोबारा से व्लॉग बनाने शुरू कर दे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिस कर रही थी और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी किया होगा। तो जी इस व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं से। मेरे मुंह में पानी आ जाता है देखते ही, क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं। देखते हैं कि कैसी बनी है, टेस्ट कर रही थी बनी है। खैर इस तरह कर लिया, अब चेक करते हैं कि कैसी बनी है टेस्ट। उफ इतनी गर्म थी, गर्म गर्म मैंने मुँह में डाली, बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत ज़्यादा मोहम्मद मज़ेदार थी। थैंक यू सो मच। जब आप ब्लॉग में कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि आज मशीन लगाई हुई थी और पूरे हफ्ते के कपड़े थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे उसके अलावा थे, इसलिए सारी जगह कपड़े कपड़े नज़र आ रहे हैं। और मैं थोड़ी सी मतलब ऐसे सुस्त भी नज़र आ रही होंगी, क्योंकि ना मुझे नींद आई हुई है मेरी काफ़ी, मतलब मेरे जब से मिड्स हो रहे थे तो मैं बिल्कुल एक रात भी सुकून से नहीं सो पाई, तो इसलिए भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो हालांकि मैं फ्राइडे सैटरडे सोई भी हूँ ठीक तरह से, फिर मेरी नींद नहीं पूरी होती, तो बस ये एक वजह है, बाकी मेरी आँखें खुली हुई है। तो मैं बैठ चुकी हूँ खाना खाने के लिए, मैं मम्मा के साथ ही खाना खाती हूँ, इसलिए सबने पहले खा लिया हुआ था, मैं और मम्मा बच गई, क्योंकि मम्मा आखिर में खाती हैं, वजह सबको ही पता होगी, सबके घर में ऐसा होता होगा। तो अब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मैंने तभी बता दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैं जी तो यहाँ पर रात का 1:30 बज चुका था और मुझे इतनी भूख लगी थी, लेकिन घर में फिर से वही बने हुए थे बैंगन, तो मेरा नहीं था दिल खाने का। मैंने बाबा को बोला कि मुझे बाहर से कुछ ला दें, तो उन्होंने मुझे शॉर्मा ला के दिया, और एज़ यूजुअल मुझे सिर्फ खाली ये खाना पसंद नहीं है, मैंने साथ फ्राइज़ बनाए रात के 1 बजे, मतलब फुल ऑन मैंने चस्के तो लगाने ही लगाने हैं, चाहे मुझे असाइनमेंट्स मिली हों, चाहे मेरा नेक्स्ट डे पेपर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर वही काम है मेरा लिए। और यहाँ पर जो है मैं फिर खाने बैठी, तो मैंने कहा ये सब उठा के साइड पर रख दूँ, वरना ना मुझे वो देख के ही टेंशन होती रहनी है। तो फिर मैंने ये सारे उठा के, काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स थी मतलब बनाने वाली, और जो कलर्स फिर आपको नज़र आ रहे हैं वो यही चीज़ है कि हमारी मैम को फूल बूटों वाली असाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसने जितने फूल बूटे बनाए हैं उसको उतने ही नंबर मिलने हैं, और जिसने जितने कम बनाए उसको 8 नंबर ही मिलने हैं। उसके बाद जी मैं खाने बैठी, तो खाने में ही मेरी टेंशन मुझे फिर भी लगी हुई थी, मैंने कहा बेटे तो क्यों लेती है टेंशन, मिलने फिर भी तुझे 8 नंबर ही है, मतलब बाऊ से भी असाइनमेंट जिन्होंने करनी है उनको भी 8 मिलने और तुम्हें भी 8 ही मिलने हैं। फिर मैंने कहा छोड़ो जो भी उन्हें, खाओ इंजॉय करो, छोटी सी लाइफ है। तो बस जी, तो मैं अपना सारा बोरिया अभी इस तरह उठा कर यहाँ पर ले आई हूँ, क्योंकि बहन को सोना था और मुझे अभी काम करना था, मेरी 2 असाइनमेंट्स है कल, दोनों सबमिट करवानी है, मिड से पहले की मिली हुई है और मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की, एक मैंने कंप्लीट कर ली है, दूसरी थोड़ी सी रह गई है, तो मैंने कहा ये कंप्लीट करके बस फिर ही सोऊंगी और बस ये जल्दी से कंप्लीट कर लूँ फिर सो जाऊँगी। रात का 1 बज चुका है तकरीबन और मैं अभी तक नहीं सोई। और अब जी मैं आप लोगों को दे दूँ थोड़ी सी हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हॉस्टल की फ़ी कितनी है, हॉस्टल कैसा है, क्या है। हॉस्टल जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, ये जो गेट आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है ये वैसे खुला हुआ नहीं होता, बंद होता है, ये जो लड़की जा रही है ना ये भी हॉस्टल की ही लड़की है, तो ये गेट बंद होता है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही है हॉस्टल, और इसके अंदर जाने की इजाज़त उन्हीं को है जो यहाँ रहती हैं लड़कियाँ। क्वेश्चन हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कि फ़र्स्ट क्वेश्चन ये मुझे पता है कि जो बहुत ज़्यादा आएगा कि हॉस्टल में एडमिशन लेने का तरीका क्या है, ये बाल की हॉस्टल में एडमिशन लेने का तरीका क्या है। तो एडमिशन लेने का तरीका क्या है कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, एप्लीकेशन लिखने के बाद आप लोगों को
आपने HOD से उसको सिग्नेचर करवाने हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट की HOD है आपने उससे सिग्नेचर करवाने हैं। सिग्नेचर करवाने के बाद आपने हॉस्टल की जो वार्डन है उसको वो दिखानी है, ठीक है। अगर तो आप लोग की अथेंटिक एप्लीकेशन होगी, HOD को समझ आएगी, वैसे सिग्नेचर हो ही जाती हैं, तो सिग्नेचर करवाने के बाद आपने हॉस्टल की वार्डन को देने हैं, वो आप लोग का एक फॉर्म देगी, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। और आई थिंक सो पूछ लीजिएगा, इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है, शायद आपने अपने डिपार्टमेंट में अगेन सबमिट करवा देना है या उस वार्डन के पास ही रहने देना है, वो आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई पहली चीज़, एडमिशन किस तरह से लिया जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कौन सी सिटी के बच्चे या कौन सी सिटी की लड़कियाँ एडमिशन ले सकती हैं हॉस्टल में, तो मैटर नहीं करता, आप लोग डस्का से हैं, पसरूर से हैं, चविंडा से हैं, लाहौर से हैं, गुजरावाले से हैं, कहीं से भी आ रहे हैं ना, आप लोग हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो। बस जो चीज़ मैटर करती है ना, वो चीज़ ये मैटर करती है कि आपके डिपार्टमेंट की सीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स का डिपार्टमेंट है, तो अगर उनमें सीट्स रखी जाती हैं हॉस्टल के बच्चों के लिए कि 40 बच्चे हमने रखने हैं हॉस्टल के लिए, इसी तरह BS इंग्लिश हो गया या कोई भी डिपार्टमेंट है, उस हर एक डिपार्टमेंट में सीट्स रखी जाती हैं हॉस्टल की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाहौर के बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट में फ़र्ज़ कर ले लाहौर के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे लाहौर के बच्चों को एज़ कम्पेयर टू चविंडा या फिर जो करीब करीब के शहर हैं उनसे ज़्यादा दूर के बच्चों को लेंगे। तो ये मेथड होता है वहाँ पर लेने का। फ़र्ज़ कर लेंगे लाहौर के कम हैं और डिपार्टमेंट की सीट्स पूरी हो रही हैं चविंडा के पसरूर के बच्चों को लेकर, तो वो फिर हर बच्चे को ले लेते हैं, वो मैटर नहीं करता आप दूर से आ रहे हो करीब से आ रहे हो, वो सीट्स पे मैटर करता है कि 40 या 50 है, तो उन्होंने दूर के बच्चों को बस ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है और करीब के बच्चों को थोड़ी सी कम देनी होती है, बस ये एक तरीका होता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, मैं काफ़ी टाइम के बाद ना ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ तो मुझे बात ही नहीं करनी आ रही पता नहीं आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज क्लियर होंगी या नहीं होंगी, ना हुई तो फिर से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगी। खैर, अब हॉस्टल की फ़ी की बात कर लेते हैं। फीस जो होती है ना, मैंने पूछा था अपने रिलेटिव से, तो उसने मुझे ये बताया था कि जो हॉस्टल की फ़ी है वो 42,000 है जो आपको हर साल पे करनी पड़ती है, लेकिन वो ये कह रही थी कि इस साल बढ़ जाएगी फ़ीस। अब मुझे नहीं पता कितनी बढ़ेगी, लेकिन उसने जितनी मुझे बताई थी कि उसने जितनी पे की थी पिछले साल वो थी 42,000, लेकिन इस साल बढ़ जाएगी। अब ये है कि दूर के बच्चों के लिए क्या मतलब, अगर लड़कियां लाहौर से आ रही हैं तो उनके लिए फ़ीस अलग होगी, करीब के बच्चों के लिए फ़ीस अलग होगी? नहीं, आप दूर से आ रहे हैं करीब से आ रहे हैं, फ़ीस सबके लिए इक्वल ही होगी, चाहे आप कराची से क्यों ना यहाँ पर आके एडमिशन ले रहे हो, हॉस्टल की फ़ीस सबके लिए इक्वल ही होगी। 42 अल्लाह क्या मैं भी 42,000, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल जी, मेस की फ़ी की बात कर लेते हैं। जो मेस की फ़ी है ना, जहाँ से आपने खाना खाना है कुछ खाना भी तो है ना, जहाँ से आपने खाना खाना है उसकी फ़ीस आप हर महीने देंगे, वो अलग होगी। ये जो 42,000 है ना, वो जहाँ पे आपने सोना है रहना है वहाँ की फ़ीस है, खाना खाने की फ़ीस आपकी अलग होगी। मैं सही इशारे भी करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये होगी फ़ीस, मेस की भी मैंने आपको बता दी और हॉस्टल जहाँ पर आपने रहना है वहाँ की भी बता दी। बाकी है जो मेरी कज़न ने बताया था कि एक बार मैं हॉस्टल गई थी तो वहाँ मैंने देखा था चरपाइयाँ वगैरह लगी हुई थी, लेकिन मेरी कज़न ने बताया कि इस बार वो चरपाइयाँ हट गई हैं और उसकी जगह पर उन्होंने बेड वगैरह लगा दिए, तो ये एक आपके लिए अच्छी चीज़ हो गई। सही अलावा अगर फिर भी आपका कोई सवाल हुआ या आपको कुछ भी पूछना हुआ, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक मतलब इंस्टाग्राम का मेरा आ रहा होता है साइड पर, तो वो वहाँ से आप देख के मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। बाकी जी, यही था आज का व्लॉग और यही था आज के सारे आपके सवालों के जवाब। मैं मिलती हूँ आपसे इससे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।